दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा वैदिक प्रोग्राम। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल देखा, यूपी की एक और भर्ती गई पानी में। मैंने ऐसा क्यों लिखा है, हिंदी में एक कहावत है, मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, आप लोग क्लासेस में बताता भी हूँ, गई भैंस पानी में। उत्तर प्रदेश में भर्ती को लेकर क्या माहौल है, भर्ती परीक्षाओं को फॉर्म निकलता है, दो दो तीन तीन चार चार साल वेट करना पड़ता है, और जो आयोग भर्ती परीक्षाओं को शीघ्र ही संपादित करते हैं, विज्ञापन निकलने के 7 से 8 महीने भर्ती कर देते हैं, उनको भी अब यहाँ पर बैकफुट पर डालकर ऐसे आयोग को जिम्मेदारी दी जा रही है जो सोता हुआ आयोग है। जी हाँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ यूपी ट्रिपल एस सी आयोग की। यूपी ट्रिपल एस सी आयोग में जो भी छात्र फॉर्म भरता है अपना माथा पीटता रह जाता है, परीक्षा कब होगी, पर फॉर्म भरने के बाद आयोग पर धरना प्रदर्शन देना पड़ता है कि हमारी परीक्षा कराओ, हमारा रिजल्ट दो, हमारा DV कराओ, फाइनल सलेक्शन दो, नियुक्ति दो, तमाम तरह की चीज़ें हैं एक सोते हुए आयोग के साथ में। तो यहाँ पर यही हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में समूह ग की भर्तियों के लिए एक आयोग है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, और ये एक ऐसा आयोग है, सोता हुआ आयोग है, कि ये विज्ञापन निकाल कर भूल जाता है कि हमने विज्ञापन दिया, परीक्षा भी करानी है, परीक्षा कराने के बाद रिजल्ट निकालना भूल जाता है, छात्रों को बार बार आयोग का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है कि भाई हमारे लिए कुछ करिए, हमने फॉर्म भरा है, हमारी परीक्षा कराइए, हमारा रिजल्ट दीजिए, हमको नियुक्ति दीजिए। जैसा कि आपने देखा कि लेखपाल भर्ती कितने साल बाद कंप्लीट हुई, ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 की भर्ती वीडियो री एग्ज़ाम भी हो गए लेकिन अभी तक उसकी फाइनल नियुक्ति नहीं हो पाई है। साथ साथ जूनियर असिस्टेंट 55-12 जो पोस्ट हैं उसमें 1.5 साल होने को आ गए हैं, फॉर्म निकले, अभी तक परीक्षा का कोई अता पता नहीं है। लेकिन इन सब कमियों के बावजूद भी सरकार ये कहती है कि हम बहुत चिंतित हैं छात्रों के भविष्य के प्रति और छात्रों के रोज़गार के प्रति। बहुत सारी होर्डिंग, बहुत सारे विज्ञापन आप देखते होंगे, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी को नियुक्ति पत्र देते हुए भी आप देखते होंगे फ़ोटोज़ में, छोटी छोटी भर्तियों का भी आजकल नियुक्ति पत्र का एक महिमा मंडन किया जाता है। लेकिन जब एक छात्र की मनोस्थिति पर आप गुजरेंगे, 4-4 साल हो जाते हैं, 5-5 साल हो जाते हैं, परीक्षा नहीं होती है, उसके बावजूद भी आप फिर से उन गलतियों को करके जो आयोग 6 से 7-8 महीने में परीक्षा कराता है, आप उनके अधिकार को छीन कर इस आयोग को दे देंगे तो क्या होगा। हालाँकि ये लेटेस्ट खबर जो है मैं आपको बता रहा हूँ वो कल की खबर है, मैं कल किसी कारण वीडियो नहीं बना पाया आपको, लेकिन एक गंभीर मुद्दा है, सोचने वाला मुद्दा है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि यूपी पीसीएस से लोअर पीसीएस की भर्ती आती थी, है ना, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। जब से लोअर पीसीएस की भर्ती इस आयोग को थमा दी गई है, ये आयोग बिल्कुल निद्रा में सो गया है, जैसे कुंभकर्ण की नींद होती है, कोई मतलब ही नहीं, सुदबुद्ध ही नहीं है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। 5 से 6 साल बीत गए हैं, लोअर की भर्ती ही नहीं आ रही है। इस बार ये उम्मीद जगाई जा रही है कि लोअर की भर्ती करीब 1000 से अधिक पोस्ट आएंगे, देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिलहाल जो अपडेट है मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक भर्ती आयोग है जिसको नाम है विद्युत सेवा आयोग, यह यूपी पीसीएल में है ना, यूपी पीसीएल में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए उत्तरदायित है, और इस विभाग में जूनियर असिस्टेंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं आप, आर ओ, ए आर ओ, अकाउंटेंट, पर्सनल सेक्रेटरी, है ना, इन सब की पोस्ट निकलती रहती है। और ये भर्ती आयोग अभी तक पेट से मुक्त था, पेट एक ऐसी गंभीर बीमारी हो गई है जो कि परीक्षा होती है लेकिन इसके अंतर्गत भर्ती नहीं आती है, और भर्ती के इंतजार में छात्र फिर से अगला पेट देते हैं। तो अब इस आयोग को सरकार ने क्या किया है, बिल्कुल तरीके से इसके अधिकारों को छीन कर इसकी जो भर्तियां होती थी, जो ये आयोग 7 से 8 महीने में भर्तियां करा लेता था, यूपी ट्रिपल एस सी को थमा दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर छात्रों में आक्रोश है कि कम से कम एक भर्ती आती थी साल भर के अंदर, कम से कम नियुक्ति तो मिल जाती थी, बहुत तेज काम होता था, और अभी भी बहुत सारी भर्तियां हैं जो यूपी पीसीएल से आने वाली थी, लेकिन फिर से इसको थमा दिया गया, और छात्रों के साथ अब फिर से आओ भैया पेट में बैठो, सारी चीज़ें करो, इस पेट को तो ख़त्म करने की पूरी पुरजोर छात्रों की तरफ से आवाज़ उठाई जा रही है। हमने भी अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, कम से कम इस पेट को ख़त्म कर दिया जाए, या एक क्राइटेरिया निर्धारित किया जाए कि भैया इतने नंबर आप पाओगे, आप 55 नंबर पाओगे, आप रिजर्व कैटेगरी में हो 60% नंबर पाओगे, 55% पाओगे, तो आप किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। मुख्य परीक्षा के नाम पर बहुत भद्दा मजाक यहाँ पर किया जा रहा है, किसी की अलग अलग मेरिट पर बुलाया जा रहा है, बार बार वही टॉप वाले छात्रों को बुलाया जाता है, आप देख चुके हैं, तो इस पेट से तो बहुत सारे छात्र ग्रसित हैं। तो अब ये तामझाम इसमें भी कर दिया गया है और शासनादेश भी जारी हो चुका है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कल की खबर है, जो कि मैं कल वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन अपने छात्रों को अपडेट करना हमारा काम है। आयोग के जरिए होगी पावर कॉरपोरेशन में भर्तियाँ, आदेश जारी। अभी विद्युत सेवा परिषद करता था नियुक्ति। कार्मिक विभाग की ओर से विकसित किया गया अधियाचन पोर्टल उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में अब विद्युत सेवा परिषद के बजाय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए भर्तियां होंगी। तो जो अधिकारी ग्रुप ख की जो भर्तियां हैं वह UPPSC करेगा। हालांकि काम प्रणाली बहुत सही है, 10 महीने में PCS का रिजल्ट आ जाता है, लेकिन यहाँ पर SDM 10 महीने में रिजल्ट दे देते हैं और लेखपाल और क्लर्क की भर्ती के लिए 4 से 5 साल लग जाते हैं। ठीक है, ऊर्जा विभाग में समूह ख और ग की भर्ती के लिए विद्युत सेवा परिषद बना हुआ, इसी के तहत लेखा और अभियंताओं की भर्ती होती रही। अब आयोग से भर्ती कराने के लिए ऑनलाइन ई अधियाचन भेजा जाएगा। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ई अधियाचन पोर्टल विकसित कर दिया गया है, इसके लिए संयुक्त सचिव अनिल कुमार को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। समूह ख और ग के रिक्त पदों पर भर्ती करवा इसी के तहत सुनिश्चित की जाएगी। परिषद खत्म करने का आरोप भर्ती में देरी। देखिए, यहाँ जो अधिकारी भी हैं, कर्मचारी भी PPBCL के, वो भी इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि विद्युत सेवा परिषद से भर्ती कराने के बजाय आयोग को अधियाचन भेजने पर आज उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार अरोड़ा आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि एक तरफ चाहते लोगों को लाखों रुपये प्रतिमाह के वेतन पर लेटर एंट्री के तहत भर्ती किया जा रहा है, दूसरी तरफ समूह ख और ग के कार्मिकों के लिए अधियाचन भेजा जा रहा है। आरोप लगाया कि यह विद्युत सेवा परिषद खत्म करने साजिश है, इससे तमाम खाली पदों को भरने में वक्त लगेगा, क्योंकि आयोग के पास पहले से ही तमाम खाली पदों के लिए अधियाचन जा चुका है और खाली पदों को जल्दी भरने के लिए ही विद्युत सेवा परिषद का गठन किया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूपी में सरकारी भर्तियों, खासकर के समूह ग की भर्तियाँ, जो UPSSC की जिम्मेदारी है, बहुत ही कह सकते हैं गैर जिम्मेदाराना है, कोई सुधबुद नहीं है। अभी आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार जी ने इस्तीफा भी दिया है, सरकार भी कोई सुधबुद नहीं ले रही है। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की भी भर्तियाँ दे दी जाए इनको, साथ साथ पुलिस की भर्तियाँ भी दे दी जाए। जिस प्रकार से SSC भर्ती करती है सेंट्रल में, आर्म्स फोर्सेस में SSC CPO होता है, SI की भर्तियाँ होती हैं, है ना, SSC GD होता है, तो इस प्रकार से इसको भी दे दिया जाए तो क्या दुनिया भर की तमाम आयोग गठित करने का, बस एक UPPSC हो जाएगा और UPSSC हो जाएगा, फिर देखते हैं क्या होता है। तो इस समस्या से आप सभी छात्र ग्रसित हैं और एक शिक्षक होने के नाते जो भी अपडेट होते हैं हम आपको देते हैं और हमेशा हम आपके साथ खड़े हैं। आपकी क्या विचार है, आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि ये कहाँ तक सही है। ठीक है, आप देते हो, लेकिन कम से कम कार्य प्रणाली में सुधार तो करिए, आप चीज़ों को ठीक करिए। कोई भी भर्ती आती है, कम से कम उसका एक टाइम पीरियड बनाइए कि हम समूह गांव में क्लर्क की भर्ती आ रही है, अकाउंटेंट की भर्ती आ रही है, ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती आ रही है, लेखपाल की भर्ती आ रही है, 1 से 1.5 साल में हम उसको नियुक्ति दे देंगे, परीक्षा को संपन्न करा देंगे। अभी आपने देखा कि जो कांस्टेबल के पोस्ट हैं 60,000 पद हैं, एग्ज़ाम है अगस्त में और उसका 5 से 6 महीने में रिजल्ट आ जाएगा और ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो ये चीज़ें UPSSC आयोग क्यों नहीं कर सकता है? अगर सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सरकार सुधबुद ले तब तो। यहाँ पर 5-5 साल 6-6 साल भर्तियाँ लंबित पड़ी हैं और उसका कोई नहीं, और ख़ासकर लोअर पीसीएस की तो यहाँ पर डिमांड है फिर से ये UPPSC को दे दी जाए, क्योंकि UPSSC ने पिछले 5 से 6 सालों में कोई भर्ती निकाला ही नहीं है, विज्ञापन भी नहीं कर। लेकिन अगर ये आयोग से होता तो सालाना पोस्टें आती रहती, भले ही कम पोस्टें आती रहती, रेगुलर बेस पर तो पोस्टें आती, जैसे RO आती है पोस्टें और भी अन्य पद हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आप विद्यार्थी जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें साथ साथ स्टडी मटेरियल की वीडियोज़ आपको हमारे चैनल मिलती रहती हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।